मुजफ्फरनगर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अनियंत्रित बस ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी, जिससे ई रिक्शा में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं चालक और अन्य सवारियों को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बस चालक को हिरासत में ले लिया है। घटना हुई थी, वो गाड़ी चालक जो था मिल वाला था और उसने दारू पी रखी थी, उसने एक दूसरे वाहन को टक्कर मारी। मारने के बाद उन्होंने अपनी साइड बदल के दूसरी साइड में जो आया उसने हमारी जो रिक्शा है हमारे चाचा भाई जो है उसे उनके ऊपर चढ़ा दी। उसमें जो एक गड्डी देसराज का था एक्सपायर हो गया जी। नाम है अभिषेक जी। मेरे एक चाचा था, मेरे एक भाई है जी। हालत उनकी गंभीर है, अभी जो मेरा ट्रिपर कर रहे हैं देखा जाएगा। आज पिन्ना स्टेट बैंक के पास सुबह 9:15 बजे एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें तितावी चीनी मिल की बस आ रही थी और एक यहाँ से ई रिक्शा जा रहा था, उसमें 4 लोग सवार थे। तो एक की जो है यहाँ पर लाते समय घटना स्थल से यहाँ लाते समय मृत्यु हो गई है। उसका नाम है अभिषेक, जो गढ़ी देसराज का है। और इसके अतिरिक्त जयकुमार जागेराम, संजीव कुमार जागेराम दो पिता पुत्र हैं और यूनुस मुरादपुर के हैं, ये सीरियस हालत में हैं, इनको मेरठ भिजवाया जा रहा है। अभी जो है तहरीर लेकर के FIR की जा रही है और जो भी प्रावधान है सरकारी वो निश्चित रूप से इनको सहायता भी मिलेगी और जो भी शांति व्यवस्था की सुनिश्चित करने की कार्रवाई होगी मेरे द्वारा की जाएगी। क्या नाम है आपका? संचित कश्यप, प्रदेश संगठन सचिव फिशरमैन कांग्रेस। आज ये जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय और दुखद घटना है। यह घटना पिन्ना में हुई है। जो IPL की बस थी मिल वालों की, उसने जो ई रिक्शा चालक था उसमें टक्कर मारी है ई रिक्शा में। उसमें हमारे 3 लोग घायल है, एक की मृत्यु हो चुकी है। जो गढ़ी देसराज के अभिषेक जी, उनकी मृत्यु हो चुकी है और 3 लोग अभी बुरी तरीके से घायल है। उनको डॉक्टर साहब ने बोला है मेरे ड्राइवर करने के लिए। ये बगरे से मुजफ्फरनगर के लिए जा रहे थे और रास्ते में घटना हुई है। घटना पीने में हुई है और ये बहुत ही दुखदपूर्ण घटना है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और जो चालक है बहुत ही बुरी स्थिति में था, उसने शराब पी हुई थी। अगर कोई भी गलत काम हुआ तो जो गाड़ी चालक है वो बख्शा नहीं जाएगा किसी भी तौर पे। हम रोड जाम करने का काम करेंगे। बता दें कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के नीचे आने से ई रिक्शा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलहाल पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है, साथ ही मामले की जांच में जुट गई है। लाइव इंडिया हरपल के लिए मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।